वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार घर में चीजों के स्थान से घर के लोगों को बिजनेस में फायदा मिलता है और घर की आय कायम रहती है। लेकिन अगर घर में चीजें वास्तु के अनुसार नहीं हैं तो घर के सभी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत करने के बावजूद भी पैसे नहीं टिकते हैं। अगर आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो हम यहाँ बता रहे हैं फेंग शुई के अनुसार पानी का स्थान क्या है जिससे घर के लोगों को फायदे मिलने वाले हैं और घर में बरकत बनी रहेगी। घर के लोगों की बरकत बनाने रखने के लिए पानी के शोपीस या तस्वीरें बालकनी में रखनी चाहिए। इससे घर में बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। घर के लोगों की बरकत बनी रहती है। पानी से भरे बर्तन को घर के पूर्व और उत्तर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगों का बुरा समय खत्म हो जाता है और हर काम में उनको सफलता प्राप्त होती है। किचन में पानी से संबंधित चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर के लोगों की आय प्रभावित होती है। किचन में पानी के शोपीस रखने से घर में कलह, झगड़े, लड़ाई बढ़ते रहते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है और वाटरफॉल लगा हुआ है या लगवाना चाहते हैं तो ध्यान रखें वाटरफॉल घर की दिशा में होना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। वाटरफॉल का कभी भी घर के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में फाउंटेन लगवा रहे हैं तो इसे घर के उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं जिससे घर में गुड लक बना रहेगा और घर के लोगों की तरक्की होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।